गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन SST की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th में जो आपका 15वां पाठ है, जिसका नाम है संविधान शासन एवं आवश्यकता, द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स रूल एंड नीड, इसको पढ़ते हैं और जानते हैं अपने संविधान के विषय में। तो लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान का विशेष महत्व होता है। संविधान विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। संविधान हमें यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना है। लोकतंत्र में हम अपने नेता स्वयं चुनते हैं। इन नेताओं से यह आशा की जाती है कि वे सत्ता का दुरुपयोग न करें। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। संविधान का अर्थ देखिए। संविधान उन कानूनों तथा नियमों का दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। यह संविधान सरकार के गठन तथा कार्यों को निश्चित करता है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदि का उल्लेख करता है। यह सरकार के तीन अंगों की शक्तियों तथा कार्यों को भी सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करता है तथा राज्य एवं नागरिकों के बीच संबंधों को भी नियमित करता है। यह सरकार को नियंत्रित करने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का भी दोहरा कार्य करता है। संविधान का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। हम सबको क्या करना चाहिए? अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान भारत, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की भांति लिखित भी हो सकता है अथवा ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की भांति अलिखित भी हो सकता है। लोकतंत्र में संविधान की भूमिका। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है जिसमें सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे सत्ता का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकते। वे कुछ नियमों तथा सिद्धांतों से बंधे होते हैं। राज्य संगठनों का एक संगठन है। प्रत्येक संगठन कुछ नियमों के अनुसार कार्य करता है। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपनी इच्छा से चलने से रोकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये सिद्धांत सरकार के अंगों की स्थापना, उनकी शक्तियों, पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हैं। अतः प्रजातंत्र के लिए संविधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कानून का अर्थ वे नियम जो सुनिश्चित, अपरिवर्तनीय तथा स्थायी रहते हैं कानून कहलाते हैं। कानून शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। सामान्यतः लोग दिव्य समय स्थापित करने के लिए दिव्य कानून की चर्चा करते हैं। एक अन्य प्रकार का कानून प्राकृतिक कानून होता है जो कारण तथा प्रभाव के संबंध पर आधारित होता है तथा परिवर्तनीय होता है। तीसरे प्रकार के कानून होते हैं जिन्हें मानवीय कानून कहा जाता है। ये कानून नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक होते हैं। कानून की परिभाषाएं देख लीजिए। कानून की परिभाषाएं, तो
तो कानून के परिभाषाओं में लिखा है सिजविक के अनुसार, सिजविक नाम के विद्वान हैं, उनकी परिभाषा देखिए, कानून वे सामान्य निर्देश हैं जो समुदाय के आचरण हेतु बनाए जाते हैं तथा जिनका पालन न करना सरकार या अन्य किसी सत्ता के द्वारा दंडनीय होता है। हॉलैंड के अनुसार कानून मानव के बाह्य आचरण के लिए सामान्य नियम हैं जो एक प्रभुसत्तावान राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं। कानून की विशेषताएं, कानून की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कानून किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का एक उपकरण है। नंबर दो, कानून व्यक्तियों के बाह्य जीवन को नियमित करता है। नंबर तीन, कानून एक निश्चित मानवीय सत्ता द्वारा लागू किया जाता है। नंबर चार, ऐसी मानवीय सत्ता प्रभुसत्तावान होती है, राज्य एक प्रभुसत्तावान राजनीतिक संगठन है, कोई भी नियम तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राज्य का अनुमोदन प्राप्त न हो। फिर आती है कानून की आवश्यकता। कोई भी सभ्य समाज तब तक शांतिपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर सकता जब तक कि समाज के लोग इसके नियमों तथा कानूनों का प्राकृतिक रूप से पालन न करते हों। वस्तुतः कानून समुदाय के नागरिक जीवन को नियमित करते हैं। कानून समाज के सहज रूप से चलने तथा राज्य में शांति एवं व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक होते हैं। समाज द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाएं जब नियमित रूप से अपनाई जाती हैं तब वे स्थायी होकर कानून का रूप धारण कर लेती हैं। अतीत काल में कुछ सिद्धांत उपयोगी होने का कारण नियमित रूप से अपनाए जाते थे, अतः उन्हें कानून मान लिया जाता था। ये प्रथाएं अथवा परंपराएं सरकार द्वारा उपेक्षित नहीं की जा सकती, किंतु बाल विवाह, बालिका शिशुवध, सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं जो समाज तथा देश की प्रगति के लिए हानिकारक हैं उन्हें शीघ्र शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा वे समाज के लिए रोग बन जाएंगी और सामाजिक संरचना को तहस नहस कर देंगी तथा राष्ट्रीय प्रगति को अवरुद्ध कर देंगी। भारत में दहेज प्रथा निषिद्ध तथा दंडनीय है। दहेज निषेध अधिनियम 1962 दहेज का समर्थन करने वालों तथा इस बुराई को अपनाने वाले लोगों के लिए प्रतिबंध का कार्य करता है। गहराई तक पहुंची हुई सभी बुराइयों को तुरंत दूर नहीं किया जा सकता, किंतु निरंतर प्रयासों तथा कड़े कानूनों के द्वारा समाज का सुधार किया जा सकता है। फिर आता है उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात भारत स्वतंत्र देश बना। इसका अर्थ यह है कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहा तथा इस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं रह गया। यह अपने सभी आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब यह किसी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकता है तथा कोई भी बाहरी शक्ति हमारे देश से घरेलू आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके बाद आपका कहते हैं जो क्या आता है, समाजवादी राज्य। एक समाजवादी राज्य वह होता है जिसमें सभी को देश की संपदा पर समान अधिकार तथा उससे लाभ प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। हमारे देश में अपार आर्थिक विषमताएं विद्यमान हैं। कुछ लोग अत्यधिक अमीर हैं तो अधिकांश लोग गरीब तथा पिछड़े हैं। अमीर और गरीब के बीच यह अंतर कम करने के लिए हमारे नेताओं ने समाजवाद की नीति अपनाई है। संविधान की प्रस्तावना में समाज शब्द जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाएं जो सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए हों। राष्ट्रीय संपदा का वितरण इस प्रकार किया जाए जिससे व्यक्तियों की आय संबंधी पर्याप्त क्षमताएँ कम हों, धनी व्यक्तियों पर उचित नियंत्रण रखा जाए तथा निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा हो सके। उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब उस राज्य से होता है जिसमें किसी भी धर्म को मान्यता न दी जाए, जिसमें सभी अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हों, उसमें किसी विशेष धर्म के लिए मान्यता न दी गई हो। तो भारत में विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन और सिख आदि के अनुयायी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने
तथा देश की एकता कायम रखने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द में चार मुख्य बिंदु है। भारत पाकिस्तान ईरान सऊदी अरब आदि देशों जैसा धर्म शासित राज्य नहीं है या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। राज्य का कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। सभी भारतीयों को अपनी पसंद का धर्म अपनाने तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, किंतु यह भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को देश में सांप्रदायिकता का प्रचार करने या विविध संप्रदायों के बीच घृणा वैमनस्य या दुर्भावना फैलाने की अनुमति नहीं है। फिर आता है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए होती है। लोकतंत्र शब्द यह स्पष्ट करता है कि सरकार की शक्ति उनके लोग हैं। संविधान ने नागरिकों को संघ की संसद राज्यों के विधानमंडलों तथा स्थानीय निकायों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया है। देश के सभी वयस्क लोग प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाले चुनावों में भाग ले सकते हैं। यदि लोग सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो वे उसे बदल भी सकते हैं। गणराज्य। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें सामान्यतः राज्य का प्रधान राष्ट्रपति चयनित व्यक्ति होता है। गणतंत्र राजतंत्र के विभिन्न होता है। राजतंत्र में राजा वंशानुगत शासक है। राज्य के समक्ष उद्देश्य। स्वतंत्रता के समय भारत अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण एक पिछड़ा देश था। देश के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों को न्याय स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व प्रदान करना आवश्यक समझा गया। ये सभी उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हैं। न्याय। आज हमारा देश अनेक सामाजिक विषमताओं से ग्रस्त है। जाति प्रथा लोगों को उच्च तथा निम्न जातियों में बांटती है। ये अंतर बहुत से अन्यायों को जन्म देते हैं। निर्धन तथा निम्न जात के लोग धनी तथा उच्च जात के लोगों द्वारा शोषित होते हैं तथा उनसे दुर्व्यवहार भी किया जाता है। हमारा संविधान इन सभी विषमताओं को हटाने तथा समाज के कमजोर वर्गों को विभिन्न सुविधाएं दिलाकर उनके लिए सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने हेतु प्रतिबद्ध है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के लोग सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय मिलना चाहिए। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने समाजवाद को अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाया है। फिर आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सिद्धांत लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार जीवन शैली अपनाने की स्वतंत्रता उपलब्ध है। वे निर्भीक होकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा अपने धर्म विश्वासों को पालन करते हैं। समानता। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। जाति धर्म लिंग या संपत्ति के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को समान स्तर समान अधिकार तथा समान अवसर प्राप्त हैं। फिर आता है बंधुत्व। भारत भूमि सांस्कृतिक विविधता से पूर्ण है। भिन्न प्रदेशों में भिन्न व्यक्तियों के समूहों की अपनी परंपराएं भाषाएं धर्म एवं संस्कृतियां हैं। देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों में बंधुत्व की भावना होना आवश्यक है। विभिन्न समुदायों में आपसी समझ पैदा करके सांप्रदायिकता की भावनाओं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। जातिवाद अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के सम्मान की रक्षा हो सके। फिर आता है संविधान एवं कानूनों के मध्य संबंध। कानूनों के बिना न तो कोई समाज शांतिपूर्वक चल सकता है न ही किसी राज्य या देश का शासन सरलतापूर्वक चलाया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व शासक की आज्ञा को ही कानून माना जाता था। ऐसे कानून शक्ति के प्रयोग पर आधारित थे, लोगों की इच्छा पर नहीं। वर्तमान विश्व में एक लोकतंत्र में चुने हुए विधायक ही कानून बनाते हैं जो सामान्यतः जनसाधारण की भलाई के लिए होते हैं, किंतु लोकतंत्र में कभी कभी कुछ कानून ऐसे होते हैं जो सभी लोगों को स्वीकार नहीं होते। ऐसा भी संभव है कि कुछ कानून में व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण लगते हैं, किंतु कानूनों का पालन करना चाहिए। अतएव हमें कानून का पालन करना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हमें कानूनों का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे व्यक्तित्व हितों को कोई हानि तो नहीं हो रही। यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कोई कानून समाज के लिए हितकारी नहीं है तथा यह समाज को क्षति पहुँचा रहा है, तो इससे अवश्य ही ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए। कानून एवं विरोध।
अधिकांश कानून अच्छे होते हैं क्योंकि वे लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, किंतु अच्छे कानूनों के साथ साथ कुछ बुरे कानून भी होते हैं। लोग ऐसे सभी बुरे कानूनों का विरोध करते हैं। इस प्रकार एक अच्छे कानून की स्वीकृति के साथ साथ एक साथ बुरे कानून का विरोध भी किया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण या अनेक अन्यायपूर्ण कानून पारित किए, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस टैक्स 1878 ने प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए। सन 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। सन 1930 ईस्वी में अन्यायपूर्ण नमक कानून पारित किया गया। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह किया। नमक का कानून तोड़ने के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात के तट पर स्थित दांडी नामक स्थान के लिए यात्रा प्रारंभ की। इसे ही दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दांडी पर समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। उनके आह्वान पर लोग सरकार के कानूनों तथा आदेशों का उल्लंघन करने लगे। देश भर में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा कर अदा करने से मना कर दिया। शीघ्र ही आंदोलन मजबूत हो गया। सरकार ने आंदोलन तोड़ने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया तथा गांधी जी एवं जवाहरलाल नेहरू सहित सभी प्रमुख कांग्रेस जन जेल में बंद कर दिए गए। लाठी चार्ज, बंदी बनाना तथा भारी जुर्माना लगाना प्रतिदिन की बात हो गई, किंतु इन दमनकारी उपायों से भी आंदोलन को दबाया नहीं जा सका। विरोध लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। लोगों को स्वतंत्र राय कायम करने का अधिकार है, जो वे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में विरोधी दल विद्यमान होते हैं तथा विरोध करना प्रत्येक लोकतांत्रिक दल का अधिकार है। शराबबंदी के लिए आंदोलन विरोध का एक अन्य उदाहरण है। कभी कभी सरकार ऐसे कानून पारित करने का प्रयास करती है जो नैतिक दृष्टिकोण से उत्तम नहीं होते। शराब संबंधी कानून ऐसा ही है। सरकार अपनी नीति को इस आधार पर न्यायोचित ठहराती है कि ऐसी नीति अवैध शराब बनाने पर रोक लगाएगी, जिससे अनेक मौतें हो सकती हैं, किंतु विरोधी दल ऐसे कार्य का विधानसभा के भीतर या बाहर विरोध करते हैं। वे सरकार की निंदा करने के लिए जुलूस, सभाएं तथा सत्याग्रह तक करते हैं। इस प्रकार विरोध लोकतंत्र का प्रमुख तत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।